हाय फ्रेंड्स, दिस इज सुनील भटनागर। आज का जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ, ये आपसे बहुत जरूरी भी है और एक आप इसे समझेंगे कि एक अलग परिप्रेक्ष्य में हम इसे जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हमने एक कहावत सुनी है कि डर के आगे जीत है। दोस्तों, वो आगे पहुंचने का ही हम जो है काम नहीं करते, और ये डर जो है इसे लोगों ने आपके मार्केटिंग में बड़े अच्छे ढंग से प्रयोग किया। आपने देखा होगा कि फेयरनेस क्रीम, आप लोग आपको अप्रूव ना करें, इसका डर आपके अंदर बिठा दिया। हार्ट अटैक का डर आपको बिठा दिया तो तेल कंपनियां जो है उन्होंने बिकना चालू कर दिया। बाल टूट रहे हैं तो आपको जो है ऐसी प्रोडक्ट आपकी डाल दी गई। पतला होने की जो है प्रोडक्ट बेचने के लिए आपको जो है मोटा होने का वो ज्यादा दिखाया गया। तो दोस्तों, ये डर एक क्या चीज है? डर जो है, मैं इसे दूसरे भाषाओं में ले रहा हूं, फियर अंग्रेजी में कहते हैं। इसका मतलब है फॉल्स एक्सपीरियंस अपियरिंग रियल। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो कि गलत है, फॉल्स है, झूठा है, मगर हम उसको ऐसा मान के चलते हैं कि यही हमारा जो है सही है। अब चीज जो आगे आ रही है कि इससे कैसे निपटा जाए। तो सबसे पहले दोस्तों, अपने डर को पहचाने और फिर उस पर अमल करें। मैं एक अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे बताना चाह रहा हूं कि आपको पता है, जैसे दिल्ली के अंदर जो लोहे का पुल है यमुना जी का, वो लगभग 100 साल से ऊपर हो चुका है। जब मैं बचपन से उधर जाता था और उस पुल के ऊपर से हम क्रॉस करते थे, तो मेरा जो कजन ब्रदर था वो मुझे डराता था कि भाई ये जो है, ये पुल जो है बहुत पुराना है, ये गिर जाएगा। और दोस्तों, हमें सचमुच, क्योंकि ऊपर से ट्रेन जा रही है, नीचे से आप जा रहे हैं, तो डर भी लगता था। मगर फिर जो है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई तो ये ध्यान आया, बोले यार अब तो तुम्हारी उम्र जो है इतनी हो गई, कितने बार जो है ये पुल गिरा। फैक्ट्स ले, आंकड़े ले, तो आप ये पाएंगे कि आपका डर। तो मैंने पहला ये बताया कि डर जो है उसको पहचाने और उस पर अमल करें। अब जैसे क्या है कि रंग रूप की झिझक, मैं बात कैसे करूं, बोल नहीं पाते, पता नहीं क्या होगा। दोस्तों, नाई के पास जाइए, बाल कटवाइए। चेहरे पे जो है जरूरी नहीं है कि फेशियल ही करवाना है, अपने उबटन और जो चीजें हैं, हल्दी प्रोडक्ट, नेचुरल प्रोडक्ट्स पे इस्तेमाल करें, रोज नहाइए, नाखून जो है अपने काट के रखिए। चाहे आपके पास 2 कपड़े हैं मगर उन्हें साफ करके पहने, अपने कलर से मैचिंग कपड़ों को पहने, तो आप ये पाएंगे कि आपकी चीजें, लोग ज्यादातर आपको देखते नहीं है। हमें ये गलत फहमी रहती है कि लोग हमें देख रहे हैं, मगर जो भी चीज पहने वो सही ढंग से पहने। अब दूसरी जो चीज हम बात करते हैं कि ज्यादातर जैसे आजकल का टाइम जो है चल रहा है कि मंदी है, जैसे लोग बात कर रहे हैं, मगर उस ढंग से हम सोचे कि कोई ग्राहक हमसे जो है चला जाएगा। दोस्तों, ग्राहक क्यों चला जाएगा अगर हम सर्विस सही नहीं दे रहे? आप उसे सर्विस सही दें, चीजों में सुधार लाएं, तो आप अपने ग्राहकों का, क्योंकि अगर सर्विस आपकी सही नहीं है तो विश्वास आपका कम होगा। परीक्षा में फेल होने का डर, ये स्टूडेंट्स को रहता है। अब दोस्तों, जो होगा परीक्षा में फेल, अगर मैं क्यों होऊंगा अगर मेरी तैयारी नहीं है? तो जितना समय मैं जो है परेशान होने में लगा रहा हूं, उतना मैं पढ़ने में लगा हूं, तो मेरा ख्याल है कि कोई ये चीज नहीं होगी। और आपकी ऐसी चीजें हैं कि भाई पता नहीं, आजकल जो है बोले कैंसर बहुत हो रहा है, ये चीजें बहुत हो रही हैं, कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है। बाढ़ आ जाएगी, बिजली गिर जाएगी, भूचाल आ जाएगा। तो दोस्तों, अगर ये ज्यादा आपके अंदर है, तो सबसे बड़ा तरीका ये है कि अपने गार्डन में जाइए और घास को साफ करने की बजाय उसको जो है खरपतवार जो है निकालना चालू करें। आप देखेंगे कि आपकी अटेंशन जो है वो डाइवर्ट हो जाएगी। अब शरीर में एक्सीडेंट होने का खतरा, अब एक्सीडेंट क्यों होते हैं? अभी कल ही की बात, न्यूज़पेपर में हमने देखा कि एक फैमिली जा रही थी अपने बच्चे का जन्मदिन मनाने, अपने 2 फैमिलीज थी, और उनके ऊपर जो है एक ट्रॉला जिसके अंदर एसिड भरा हुआ था वो गिर गया, अनियंत्रित हो गए। गलती ना तो उस ड्राइवर की थी,
मगर जो होना है वो तो देखो दोस्तों होके रहेगा। अपनी तरफ से जो है आदमी को प्रिकॉशन लेनी चाहिए कि गाड़ी के टायर सही होने चाहिए, गाड़ी की स्पीड नहीं बढ़ानी चाहिए, सेफ्टी बेल्ट अपनी सही होनी चाहिए, अपनी साइड में चलना चाहिए, कंट्रोल आपका है, मगर दूसरे का कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, जो होना है वो होगा। अब तीसरी चीज है कि ये डर कि लोग क्या कहेंगे, दूसरे क्या सोचेंगे, तो सबसे पहले अपने दिल पे हाथ रखें और ये कहें जो मैं कर रहा हूं क्या ये गलत है क्या? अगर जो मैं कर रहा हूं और कल को मेरा बच्चा या कल को मेरे कोई पेरेंट्स अगर करेंगे तो क्या ये मुझे अच्छा लगेगा? तो दोस्तों ये चीजें आपको, अगर आप सही कर रहे हैं, लोग आलोचना भी कर रहे हैं, तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते जाएं। आपने गाना भी सुना है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, पर दोस्तों आपको ये ध्यान में रखना है कि जो आप कर रहे हैं उससे किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, ना आपको ना दूसरे को। अब इसके बाद है कि भाई मुझे घर खरीदना है, घर खरीदने का डर, पता नहीं वो प्रॉपर्टी वाला मुझे देगा या नहीं देगा समय पे या होगा। सबसे पहले जब भी मैं घर लेने जा रहा हूँ तो मैं उसको जो है, आजकल तो इंटरनेट और डेटा बहुत आपको मिल जाएगा, आप चेक करके देखें, निवेश करने से पहले सोचें। ये नहीं है कि दोस्त कर रहे हैं तो हम करते हैं, हमने कई लोगों को देखा है कि वो बिना सोचे समझे अपना जो जीवन की जो कड़ी मेहनत से कमाई होती है वो दुगना करने के चक्कर में कर देते हैं। दोस्तों दुगना चौगुना कोई नहीं देता, इन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए, तो बी प्रैक्टिकल, ध्यान में रखें। और सबसे बड़ी बात है लोगों का डर, अगर आप चीजों को सही नजरिए से देखेंगे तो ये भी समझे कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो आप ही की तरह इंसान है भाई, वो आप ही की तरह सोचता है। तो फ्रेंड्स डर नाम की चीज जो है नहीं, निडर बनिए, और निडर इसलिए बनिए कि डर कुछ होता ही नहीं है, डर जो है आपके अंदर वो भ्रांतियां हैं, वो गलतफहमियां हैं, नॉलेज बढ़ाइए, जब आप नॉलेज बढ़ाए